जयपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और वैन की भिड़ंत में 6 की मौत, इनमें से 5 वाराणसी सीकर रीट की परीक्षा देने जा रहे थे। जयपुर हादसे में मारे गए सभी लोग वैन में सवार थे, इनमें वैन का ड्राइवर भी शामिल है। घायलों में एक युवक की हालत नाजुक है। जयपुर के चाकसू में शनिवार सुबह NH-12 निमोडिया मोड़ पर ट्रक और वैन की भिड़ंत में 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 5 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को चाकसू के सैटेलाइट अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मारे गए सभी लोग वैन में सवार थे, इनमें वैन का ड्राइवर भी शामिल है। बाकी 5 लोग बारान जिले के कवाई थाना क्षेत्र के गोर्धनपुरा नयापुरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो रीट की परीक्षा देने सीकर जा रहे थे। वैन में करीब 11 लोग सवार थे। यह हादसा निमोडिया कट के पास हुआ। एक इको वैन बेकाबू होकर ट्रेलर में जा घुसी। घटना में 5 लोग घायल हुए हैं। इनका महात्मा गांधी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। एक परीक्षार्थी की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे जयपुर रेफर किया गया है। बाकी 2 घायलों का चाकसू हॉस्पिटल में और 2 का महात्मा गांधी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इन 6 लोगों की मौत हुई। विष्णु नागर निवासी बड़ोद बारान, तेजराज और राजेंद्र मेघवाल निवासी कसमपुरा अट्रू बारान, सत्यनारायण निवासी गोवर्धनपुर सालपुरा बारान, वेद प्रकाश निवासी हनुमंत खेरी गुजरान, सुरेश निवासी गोवर्धनपुर कवाई सालपुरा, दिलीप मेहता निवासी गोवर्धनपुर कवाई सालपुरा, ये जख्मी हुए। नरेंद्र निवासी छबड़ा बारान, अनिल निवासी गोवर्धनपुरा कवाई सालपुरा बारान, भगवान नगर निवासी बारान, हेमराज बैरवा निवासी हनुमंत खेर मुसी गुजरान बारान, जोरावर सिंह पुत्र राम प्रताप निवासी बारान, इनकी हालत गंभीर है। एडमिट कार्ड से हुई पहचान, अस्पताल में अफरा तफरी। मृतकों और घायलों की पहचान इनके एडमिट कार्ड से हुई। इसके बाद सभी के परिजनों को सूचना दी गई। हादसे के बाद हॉस्पिटल में तफरी मच गई। CM की अपील, मुख्यमंत्री सहायता कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। CM अशोक गहलोत ने अपील की है कि सभी अभ्यर्थी यात्रा करते हुए सावधानी रखें, तेज गति और असावधानीपूर्ण तरीके से वाहन न चलाएं, यथासंभव सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। कोई भी परीक्षा आपके जीवन से बड़ी नहीं हो सकती है। वैन में करीब 11 लोग सवार थे। ये सभी लोग वाराणसी सीकर रीट की परीक्षा देने के लिए जा रहे थे। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और चारों शवों को अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने चारों शवों को अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। तेज धमाके की आवाज, ड्राइवर को भनक तक नहीं लगी। घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि तेज धमाके के साथ वैन ट्रक में घुस गई। करीब 2 किलोमीटर तक वैन ट्रक में ही फंसी रही। सड़क पर लोगों ने ट्रक चालक को हादसे के बारे बताया। ट्रक इतनी स्पीड में था कि ड्राइवर को हादसे का पता ही नहीं लगा। हादसे की सूचना पर चाकसू पुलिस पहुंची। आसपास के लोग भी आ पहुंचे। वैन को ट्रेलर से अलग करवाया और घायलों को बाहर निकाला गया। आगे बैठे 4 लोगों की मौके पर मौत। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि भिड़ंत के बाद वैन ट्रक के पीछे लगे एक लोहे के पाइप में फंस गई। इसकी वजह से वैन में आगे बैठे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से वैन को बाहर निकाला और घायलों को पहले चाकसू के सैटेलाइट अस्पताल भिजवाया गया। वहां से महात्मा गांधी अस्पताल में लगाया गया। एक परीक्षार्थी की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे जयपुर रेफर किया गया है। बाकी 2 घायलों का चाकसू हॉस्पिटल और 2 का महात्मा गांधी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है।